अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल कुवैत से आप खिदमत में हाजिर है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हमारे अजीम हीरो मोहसिन पाकिस्तान मरहूम डॉक्टर कदीर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो पूरी कौम को रुला गए हैं। हम कुवैत में बैठे बल्कि खलीज में जितने भी यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हैं, अफसरदा हैं, गमगीन हैं कि एक अजीम हीरो, एक अजीम इंसान हमसे रुखसत हो गया। डॉक्टर कौन था उसके बारे में मेरे ख्याल है जितनी दुनिया जानती है, हमारी नौजवान नस्ल जानती है, उनके बारे में हम क्या बताएं। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान यकीनन बहुत अपने हीरोज पैदा किए, किसी ने अपनी जान उस मुल्क के लिए निछावर की, किसी ने अपनी जिंदगी खिदमत खल्क में गुजार दी, कोई दहशतगर्दी और दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुआ, तो किसी ने अपनी जान इस्लाम की खातिर खिदमत करते हुए कुर्बान कर दी। इनमें एक नाम जो बहुत बड़ा नाम है वो है इस्लाम पे बनने वाले पाकिस्तान। जी, इस्लाम पे बनने वाले पाकिस्तान को इस्लामी बम देकर उसने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया कि वही अब्दुल कदीर खान साहब। तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कड़वा कर नसीब फरमाए। इस वक्त हमारे दरमियान हमारे दोस्त सऊदी अरब में होते हैं जाहिर शरीफ साहब, नामवर साफी भी हैं और कलमकार भी हैं, लिखते भी रहते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। जाहिर शरीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के दिन अपने कौमी हीरो के नाम ये प्रोग्राम किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारी कोशिश होगी, हमारे दरमियान एक दो पार्टिसिपेंट आएंगे जिनसे हम बातचीत भी करेंगे। इस वक्त मैं सबसे पहले जाहिद शरीफ साहब को ऑन बोर्ड किया हमने। जाहिद शरीफ साहब, एक खबर जो थी वो गर्दिश कर रही थी, बल्कि खबर तो ऐसी थी कि मीडिया में कुछ अर्से से, जिस तरह आपको पता है कि हमारी जर्नलिज्म है या सोशल मीडिया है, बेलगाम मीडिया है, जो बगैर तस्दीक के इस तरह की खबरें देते हैं, बल्कि खुद मरहूम अब्दुल कदीर साहब ने भी कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, लोगों ने ऐसी चीजें बात फैलाई, तो बहरहाल अब तो ये हकीकत है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, आप किस नजर से देखते हैं जाहिद साहब? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ जी, सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बल्कि वो तो जन्नती हैं। नहीं, आप देखें कि उनकी वफात, मैं कहता हूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए जो है एक बहुत बड़ा नुकसान है। सही। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने ऐशो आराम की जिंदगी यूरोप में थे, ऑस्ट्रेलिया, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैकेज छोड़कर इस कौम के लिए, ना सिर्फ इस कौम के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अपना आराम, अपनी सेहत, किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जब तक उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना नहीं लिया। उस वक्त तक ना उन्होंने आराम किया, बल्कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ही नहीं, इस्लामी दुनिया भी महफूज हो गई जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। तो आपको याद होगा कि किसी मुल्क का, मुझे अभी नाम याद नहीं, कि वहां पे कहते एक कंजूस सा इंसान था, फलस्तीनी था, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने ये एटमी धमाके किए तो उस दिन उन लोगों ने भी मिठाइयां बांटी,
उन्होंने कहा कि ये एटम बम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरे आलम इस्लाम का है। आज पूरे आलम इस्लाम जो है वो महफूज हो गया है। तो और एक और मैं चीज पढ़ रहा था कि इनके बारे में कि मुसलमानों के एक अजीम लीडर हैं ये। उसमें मुसाद जो है ये इसका इसराइली का अखबार है, तो आज मेरे पास वो कटिंग भी है। तो वो लिखता है कि ये वो वाहिद शख्स है जिसने आलम इस्लाम को महफूज किया और हम इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन ये हमारा निशाना नहीं बन सका। तो मैंने जब ये निगाह ऊपर की तरफ अल्लाह की तरफ की, तो अल्लाह की तरफ से ये आवाज आई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो उसकी हिफाजत, क्योंकि ये 27 रमजान को बनने वाला मुल्क पाकिस्तान, इसकी हिफाजत के लिए, इसको दुश्मन के पल्ला हम पल्ला करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पाकिस्तान को एटम बम दे के नाकाबले तस्खीर बना दिया। तो ये मुल्क 27 रमजान को बनने वाला, ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें तोहफा है, और इसकी जो हिफाजत करेगा वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है। और इससे भी साबित होता है कि जब हमारी एक मजहबी बहुत बड़ी शख्सियत, उन्होंने कहा कि मैं गया उनके पास तो मैंने दोनों हाथों से उनका सलाम ली और उनका हाथ चूमा, तो वो कहने लगे कि मौलाना साहब मैं तो यही देखता हूँ कि लोग मेरे से एक हाथ से सलाम लेते हैं, वो सियासतदान हो या आलम हो, तो आपने तो मेरा हाथ चूम लिया। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने मुसलमानों की हिफाजत के लिए या मुसलमानों को जंग में लड़ने के लिए जिसने तीर बनाया वो भी जनती, जिसने तीर पकड़ाया वो भी जनती, जिसने तीर चलाया वो भी जनती। तो आपने तो एटम बम बना के पाकिस्तानी पूरी आलम इस्लाम को महफूज किया है, तो आपके हाथ चूमना तो बनते हैं। फिर आपने देखा कि जैसे ही उनका जस्ते हाकी जनाजे के लिए गया, तो अचानक जो इस्लामाबाद का मौसम है उसने करवट ली, करवट लेते ही बराने रहमत भी आ गई, और मेरे रब ने उस वक्त ये तोपों की सलामी नहीं, वहां से तोपों की सलामी आसमानों से आई जो दुनिया ने देखी है। मेरे एक अभी मैं पढ़ रहा था कि एक औरत ने अपने बेटे को कहा कि बेटा जरा जल्दी से टीवी लगाना, उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा देखो डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा हो गया है। उसने कहा माँ आपको कैसे पता चला, उसने कहा टीवी लगाओ बाकी बाद में मैं बताती हूँ। तो उसने टीवी ऑन किया तो देखा वाकई जनाजा पड़ चुके हैं। तो उसने कहा माँ आपको कैसे महसूस हुआ, आपको कैसे पता चला, उसने कहा जब आसमान से तोपों की सलामी शुरू हुई तो मुझे पता चल गया कि उनका जनाजा हो गया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए बहुत बड़े, ये दुनिया के लिए हमारे लिए एक निशानी है कि वो एक मुसलमानों के अजीम हीरो और अल्लाह और अल्लाह के हबीब की पसंदीदा शख्सियत बन गए। इसलिए अल्लाह ताला ने बराने रहमत भी नाजिल की, और इसके साथ साथ जो है आपने देखा जनाजा भी माशाल्लाह बहुत बड़ा जनाजा था। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की हिस्ट्री में ये जो है ये दूसरा बड़ा जनाजा था। सही बात है, यकीनन ज़ाहिर शेर साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि नेक जो लोग होते हैं अल्लाह ताला के पसंदीदा, उनके जो आखिरी रसूमात या उस सिलसिले को जब देखते हैं तो जो जमे गफीर होता है वो इस बात की सबूत होता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक उनकी कितनी इज्जत हो माशाल्लाह। अच्छा इस वक्त हमारे दरमियान जाफर समदानी साहब मौजूद है जो कुवैत की मारूफ शख्सियत है, और वो गाहे बगाहे हमारे मतलब यहाँ कुवैत के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी भी कंपनी करते हैं, और खुद अपनी एक तंजीम है उनकी
उसमें भी माशाल्लाह उनके तकरीबन एक शेड्यूल होता है, उनके सालाना प्रोग्राम एक लिस्ट होती है। कोविड 19 में तो जाहिर है कई चीजें रुक गई हैं, वेबिनार शुरू हो गए। मुझे याद पड़ता है कि जब आज से तकरीबन 3-4 साल पहले उन्होंने डॉक्टर अब्दुल लतीफ साहब को ऑन बोर्ड किया था, उनसे बातचीत हुई थी और बड़ा अच्छा लगा हमें। उस वक्त ये वेबिनार नहीं था, लेकिन उस वक्त ऑनलाइन जूम मीटिंग इस तरह के बड़े सिलसिले होते थे। बहुत शुक्रिया जाफर समदानी, आपने ज्वाइन किया। जाफर समदानी, पूरी कौम इस वक्त रंजीदा है, दुखी है कि मोहसिन पाकिस्तान का इंतकाल हो गया है। आप उनकी शख्सियत के बारे से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के पाक नाम से जो मेहरबान और हमेशा रहम ही फरमाने वाला है। तारक भाई, आपका और आपके टेलीविजन चैनल का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की खिदमात के तनाजुर में इस अहम नौइयत के प्रोग्राम का इनेकाद किया। जहाँ तक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहेब मोहसिन पाकिस्तान के आखिरी वक्त तक कैदी बनाए जाने के सवाल का ताल्लुक है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि उस अबकरी और यर्फ निगाह इल्मी मीनार वो और उनके जोमाए कार ने जिस तरह मुल्की दिफा की नैया को पार लगाया है, जनरल ज़ियाउल हक के दौराए भारत से लेकर चागी की पहाड़ियों के रंग बदलने तक और अफगानिस्तान के रेगजारों में एक एक लम्हा और एक एक इंच दफाए पाकिस्तान को नाकाबले तस्खीर बनाए रखे जाने के उस अजीम लम्हात पे वो और उनके जुमला दोस्त अहबाब ज़ोमाए कार जिन्होंने जी अजीम कारहाए नुमाया सर अंजाम दिया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, काबिले तहसीन हैं, हमारे कौमी हीरोज़ हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहेब मोहसिन पाकिस्तान इस बाब में हैं कि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के दिफा को एक और कदम आगे बढ़कर हतफ उन्जा और गौरी से लैस किया। वो अजीम दिल जो हमेशा ईसार वफा और कुर्बानी के साथ पाकिस्तान के लिए धड़कता रहा, उम्र के इस हिस्से में जहां उनकी सरगर्मियों को महदूद कर दिया गया था, उनकी मुलाकातियों पर पाबंदियां और पहरे थे, उनकी आमतो रफ्त पर पहरे थे और उनको वो आज़ादी मयस्सर नहीं थी जो आम आदमियों को थी, आम लोगों को थी। अगरचे उनकी इल्मी एहसानमंदी अमली कारकर्दगी इस बात का तकाजा करती थी कि हम उनके शायान शायां इज्जत और एहतराम के वो रुतबे और दर्जे के साथ उन्हें मुतमक्कन रखें जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए इल्मी विरासत बने, कि वो इल्म के बाब में आगे चलकर उनको रहनुमा असूल के तौर पर अपनाएं और इल्म को अपना ओढ़ना बछोना बनाएं। इस बाब में दुख की बात है जो डॉक्टर एक्यू खान साहिब के साथ उनके आखिरी हयात के उन लम्हात के साथ हुआ। मुझे ज़ाती तौर पर एहसास है, मैं लम्हा लम्हा उन अय्याम का बजाते खुद ऐनी शाहिद हूँ कि जिस दुख करब के साथ उनके ये आखिरी लम्हात गुजरे, कि जब उनकी आमदोरफ्त पे, बातचीत पे, आने जाने पे, मेल मुलाकात पे, कारकर्दगी पे पहरे बिठाए गए, अगरचे वो दिल सुबह शाम धड़कता रहता था कि कैसे किस तरीके इस कौम के नौजवानों को बेदार किया जाए, इनको हुनरमंद किया जाए, कैसे इनको काबिल बनाकर अक्वामे आलम के बराबर ला खड़ा किया जाए। तो सही मानों में वो कैदी तो नहीं थे लेकिन असीर ज़रूर थे, सोच के, अमल के, कदम के। इस बाब में आपकी बात
बहुत हद तक दुरुस्त है, जायज़ है। यही वजह है कि वो बार 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 अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन उनकी आखिरी सांस तक किस मुल्क पाकिस्तान की अदलिया कोई किरदार अदा न कर सकी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो आज़ादी की ज़मानत देते हैं, वो अदालतें जो आज़ाद अदलिया का रुतबा दारे हुए हैं, वो हमारे इस अजीम मिल्ली कौमी मुहसिन इल्मी मामार और मीनार के लिए भी वो मुरव्वजा मुसब्बता मुसल्लिमा आज़ादियाँ भी नहीं दे सके। अच्छा, मैं जाफर संतानी आपसे और सवाल करूंगा कि हम अपने मौसरों को, कौमी हीरोज को, उनकी जिंदगी में ही फरामोश कर देते हैं और बाद में मरने के बाद उनका जिक्र तो होता है लेकिन वो नहीं होता। तो क्या हमारे माशरे में हमारे जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों की एक तरबियत की जरूरत है? जी तारिक भाई, आपने बहुत प्यारा ये नुक्ता सामने रखा कि मिल्ली और कौमी लिहाज से क्या हम बजाते खुद बाशऊर लोग हैं कि जो अपने मुहसनों के साथ, एहसान करने वालों के साथ, इलम परवरी करने वालों के साथ और इल्मी काविशें करने वालों के साथ कोई काबिले ज़िक्र, काबिले तहसीन सलूक कर पा रहे हैं? इंतहाई अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जी नहीं। हमारी किताब 1000 से ऊपर चलती नहीं है। इलम के बाब में हम बांझ सोसाइटी हो चुके हैं। इस सोशल मीडिया पर जैसे गंदे अल्फाज, गंदी सोच और गंदे अलकाबात हम अपनी सकाफत का दर्जा दिए बैठे हैं। अन्नास वाला दीन मलूक हिम, हमारी जमा में कार चलाने वाले लोग उस गंदी सोच के मालिक हैं। वो कैसे मुमकिन है कि हमारी कौम की तरबियत कर पाए? और कौम की तरबियत करने वालों के साथ हम ये सलूक करते हैं, मैं लफ्ज नहीं बोल सकता कि जो चोर उचक्के डाकू हैं वो मोहल्लात में और उनकी औलादियां यशियां करती हैं और मुल्क व मिल्लत के लिए कुर्बानियां देने वाले इस सलूक के मुस्तहिक हैं? शायद हमारी कौम की तरबियत हो ही नहीं सकी, की ही नहीं गई और हो ही नहीं रही। और मैं इसमें ये जुमला कहने में कोई बात महसूस नहीं करता कि हमारे आज के जमामे कार संभालने वाले लोग सिर्फ जाती तायुशात में, जाती ख्वाहिशात में, जाती तमकनत में, नफ्सियाती और सफली जज्बात के ताबे इस दुनियावी चंद लम्हों की जिंदगी में हमारी कौमी विरासत इल्म और इल्म वाले और इल्म परवरी करने वाले उनकी कोई कदर नहीं। मिल्ली लिहाज से हमारी कोई तरबियत नहीं, कौमी लिहाज से हमारी कोई तरबियत नहीं, हमारी कोई सोच नहीं, हमारी कोई मंजिल नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क को, मिल्लत को, कौम को दोबारा अफकार इकबाल पर तरतीब दिया जाए। आमाल इकबाल के बाद अफआल कायद आज़म अला रहमा पर इसकी तरबियत की नमू रखी जाए। डॉक्टर ए क्यू खान को मीनारा नूर बनाया जाए। अदब और अखलाक के बारे में औलिया अल्लाह की मोहब्बतों वाली दास्तान का सहीफा किरदार के तौर पर रखा जाए। तब मुमकिन है कि शायद हम किसी जगह उस कौम की तामीर कर पाएं जो इल्म की, इल्म परवरी की, सताइश इल्म की परवरिश कर सके। दुआ है कि डॉक्टर ए क्यू खान साहिब के नाम पर कौमी एजाज रखे जाएं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरियाँ जैसे वो बजाते खुद ममलकत खुदादाद में बना रहे थे, काश उस काम को जारी और सारी रखे जाने का भी कोई इंतज़ाम हो। दुआ है आप, आपके जज्बे इस कौमी तरबियत के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जाफर समदानी साहब, आपने हमें टाइम दिया।
और आपकी गुफ्तगू बड़ी जामे थी, क्योंकि प्रोग्राम का शेड्यूल ऐसा था कि हमने एक लिमिट के साथ चलना होता है, तो आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी। और हमारे नाज़रीन जो इस वक्त SBI चैनल दुनिया के 150 ममालिक में देखा जाता है, उन्होंने आपकी इस लाइव जो है फुटेज को, आपकी गुफ्तगू को सुना। ज़ाहिद शरीफ साहब आप हमारे साथ हैं, आप कुछ कहेंगे कि हमारे इस कौमी हीरो के लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए, हमारी मौजूदा हुकूमत या आने वाली हुकूमतें उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएं? जी बिल्कुल, मैं आज मेरी तकरीबन 7 न्यूज़पेपरों में ये खबर मेरे तरफ से शाया हुई है, जिसमें मैंने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि उनका यौम पैदाइश और यौम वफात दोनों को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया जाए। और दूसरा मैंने कहा था कि परचम भी सरनगुं हो, वो तो खैर हुआ। और हमें अपने हीरो को याद करने के लिए, जैसे हमारे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का दिन है, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का दिन है, इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह का दिन भी मनाया जाए और इस दिन की मुनासबत से आम तातील हो और लोगों को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो अजीम शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज हम महफूज हैं, हमारा पाकिस्तान महफूज है, आलम इस्लाम महफूज है। सही, बिल्कुल अच्छी बात है। अब हमारे साथ रहिए, नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम कुछ जिक्र करेंगे, जैसा कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी सारी है और इस सिलसिले में पाकिस्तान और दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं। बल्कि मैं तो एक बार सियालकोट में था तो मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई, मैं आज तक नहीं भूला कि वहाँ पे एक जश्न होता था, वहाँ पे ऐसा लगता था कि वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उनके यौम विलादत को किस अंदाज से, किस खूबसूरती से मनाते हैं। तो वो मंजर आज तक मेरी आंखों के सामने है। अभी पिछले दिनों वज़ीर पाकिस्तान ने रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और एक कमीशन बना दिया कि ताकि इस सिलसिले में कुछ ना कुछ आने वाले वक्तों में कुछ पेशरफ्त हो, बिलखसूस नौजवान नस्ल को, नौजवानों के लिए एक मेयारी तालीम, तरबियत और किरदार साजी इंसाफ पे मबनी माशरे के क्याम पर जोर दिया गया और ये भी कहा कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक तालीम हासिल करने का दस उन्होंने दिया। उन्होंने अपने पैगाम में और जहां वो तकरीब हो रही थी उसके कुछ क्लिप है, मैं आपको पेश कर रहा हूं, आइए देखते हैं। जब से आप पैदा हुए हो जब तक कब्र में नहीं जाते, तालीम हासिल करो, तालीम के पीछे जाओ। एक लोगों के अंदर तासुर डाला कि कितना जरूरी है इल्म हासिल करना। जंग बदर के बाद उन्होंने कहा कि पैसे भी नहीं थे, यानी गरीब थे मुसलमान, तब जंगी कैदी को वापस करके पैसे ले सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, जिसको पढ़ा लिखा देगा वो अपनी वो आजाद है। तरजीह दी, तालीम को तरजीह दी पैसे के ऊपर। और तालीम मर्दों के लिए नहीं सिर्फ, तालीम इंसानों के लिए, ख्वातीन के लिए, सबके लिए। सो ये भी बड़ी गलत फहमी जो बदकस्मती से कोई तंग नजर लोग डालते हैं, तालीम सबके लिए। और तालीम की वजह से फिर मुसलमान, जो उनकी हदायत थी उसकी वजह से मुसलमान बढ़े। और फिर आप सारे टॉप साइंटिस्ट देख लें, जितने बड़े बड़े नाम थे अगले 500-600 साल तक, वो सारों का बिल्कुल उनकी जिंदगी उसके ऊपर भी पूरा तजिया कुरान के ऊपर भी था और फिर वो साइंटिस्ट भी थे। उसके अलावा उनकी जो अपनी पर्सनालिटी थी, मैं सिर्फ उसके अंदर 3 ट्रेट्स, एक तो सादिक और अमीन, और एक कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, इंसान को खौफ से आजाद कर दिया। ये जो खौफ है ये इंसान को गुलाम रखता है कि मेरे रिस्क ना चली जाए, मैं मुझे वो कोई ताकतवर कत्ल ना कर दे, मुझे जलील ना कर दे, आजाद कर दिया इंसानों को। तो ये जो फिनोमेना है, मैं ये चाहता हूं और मैं बाद में कहूंगा कि हमने करना क्या, ये सारे हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को समझना चाहिए। आप पढ़ाएं, पता तो चले, क्योंकि ये तो तारीख का हिस्सा है, ये तो आप ये दीन को भी हटके, क्योंकि रोल मॉडल्स होने चाहिए बच्चों के लिए। मेरे रोल मॉडल नहीं, ये नहीं थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये। जी नाज़रीन, अभी आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब
इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने खिताब किया था। एक और खबर भी हम आपको दे चले, इस वक्त जाहिर शरीफ साहब भी हमारे साथ ही हैं, कि आने वाले दिनों में 11 और 12 रबीउल को दो रोजा कौमी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये भी बहुत बड़ा कदम है। तो जाहिर है कि उनका जो टाइटल है वो यही है कि इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए मसाजिद मदारिस खानकाह और इमामबारगाह का किरदार सीरत नबवी की रोशनी में इस मौजू को मुंतखब किया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा पहले जो रोजा है वो तो जाहिर है उसमें हमारे सदर पाकिस्तान खिताब करेंगे, और जो दूसरे दिन का दो रोजा इजलास में हमारे वजीर आजम साहब जो है ना वो खिताब करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर साहब आप हमें ये बताएं कि रबीउल अव्वल की तैयारी में सियालकोट कुछ बहुत ज्यादा माशाल्लाह अपना किरदार अदा करता है, बाकी शहर तो हैं, बाकी इलाके भी हैं, लेकिन सियालकोट में आज भी वही रौनक हैं या नहीं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिल्कुल जनाब तारिक साहब, सियालकोट को माशाल्लाह पूरे को सजाया जाता है। पिछले साल मैं सियालकोट में, बल्कि इस साल भी इंशाल्लाह मैं सियालकोट में हूँ, और जश्न ईद मिलादुन नबी की जो तैयारियां हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग्स भी भेजूंगा। देखिए जी, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए ये जमीन व आसमान बने, जिनके आने से यतीमों को सहारा मिला, जिनके आने से माओ को इज्जतें मिली, बेटियों को इज्जतें मिली, तो उनका दिन हमें शायान शान तरीके से मनाना चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 11 तारीख को एक वफद सऊदी अरब जाए, जो आके दो जहां हातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाए अकदस पर जो है वो हाजिरी दे के आए। और इसी तरह मैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है कि रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस जो है, या बल्कि अशरा पूरा जो है उसको हुकूमत ने कहा है कि जी ये जो है अशरा जो है वो रबीउल अव्वल के नाम से है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आने की खुशी है उसमें है। तो देखें, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल यहाँ पे देता चलूं कि अबू लहब जो इस्लाम नहीं लाया था, वो हाब में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को मिला, तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि आपका क्या माजरा हुआ, तो उसने कहा कि मेरे ऊपर अजाब होता है, लेकिन पीर का दिन, जिससे आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं कि जिस वक्त आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो अबू लहब की लौंडी ने कहा कि अबू लहब तुम्हारा भतीजा हुआ है, तो उस वक्त तो उसको ये नहीं पता था कि ये भतीजा जो है ये खातमुन नबीन है, उसने ऐसे अपनी उंगली के इशारे से कहा कि आज से तुम आजाद हो। तो वो कहता है पीर के दिन जब ये मैं उंगली अपने मुंह में डालता हूं तो मुझे जो है इससे राहत मिलती है, तो ये हाब मेरा और आपका नहीं है, और ये हाब आका दो जहान की रहमतुल्लाह आलमीन के मजलस में हजरत अब्बास ने सुनाया। तो आप देखें, हम दुनिया में एक आपके घर मेरे घर किसी के घर बेटा पैदा होता है, हम मिठाइयां बांटते हैं, तो जब पूरी जिनके लिए कायनात बनाई गई जब उनकी वलादत हुई है तो फिर हमें मिठाइयां बांटनी चाहिए, फिर हमें खुशियां करनी चाहिए, रौनकें। मैं अभी बाजार से गुजर रहा था तो माशाल्लाह इंशाल्लाह पिछले साल की निस्बत इस साल लोग इंशाल्लाह ताला ज्यादा जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और ज्यादा रौनक होगी। अब देखिए, कोविड की वजह से लोग कहते हैं कि जी हमारी तंगी आ गई, अगर मैं पिछली वीडियोस आपको सेंड करूं तो आप देखें उसमें भी सियालकोट को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया था, और इंशाल्लाह इस साल भी जो है वो सियालकोट को भरपूर तरीके से सजाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन इससे पहले मैं मोहसिन पाकिस्तान ने जो वफा से पहले एक पैगाम दिया था, बल्कि वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ जो मियार तालीम है
खास तौर पर मेडिकल तलबात के टेस्ट के खिलाफ वो चाह रहे थे कि वो बड़े सही तरीके से हो, उनके नतज सही हों, ताकि वो तलबा जो जो जहीन तलबा जो यानी जिनको यकीनी तौर पर मेडिकल कॉलेजेस में आना ज़रूरी है वो उनका हक तलफी हो जाती है और हज़ारों तलबा जहीन तलबा रह जाते हैं। तो इस पर मैं चाहूँगा कि हुकूमत जो है गौर करे, अपने स्टैंडर्ड को उस मैार को बेहतर अंदाज से करे, ताकि जो ज़रूरतमंद तलबा हैं जो जहीन फतीन बच्चे हैं वो यकीनी तौर पर जो है ना वो उनको उसी रास्ते पे आए जो वो चाह रहे हैं उसकी मेहनत का सिलम। तो नाज़रीन इस दुआ के साथ कि आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, सब्जा नौरस्ता इस घर की निगरबानी करे। इंशाल्लाह 12 रबीउल को हमारा अगला प्रोग्राम है और हम खसूसी 12 रबीउल से बातचीत करेंगे आप लोगों से। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।